नमस्कार, द मीडिया हाउस के नए कार्यक्रम 2024 में 24 की 14 कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। द मीडिया हाउस पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम चला चुका है, लेकिन 24 की 14 अब लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव हो गए, तब तक आपको लगातार द मीडिया हाउस की तरफ से 24 की 14 ये कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। आज पूरे क्षेत्र की हम बात करें या पूरे हरियाणा की बात करें तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। हर किसी के जहन में एक ही बात है कि लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी और कौन सी पार्टी की कितनी टिकटें आएंगी। चलिए आज हम एक विशेष पार्टी की बात करते हैं और विशेष पार्टी भाजपा। भाजपा इस बार 10 लोकसभा सीटों पर किसके नाम पर दांव खेल सकती है, ये तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं इंद्रपाल चाहर जी, स्वागत है। धन्यवाद अनुप जी। इंद्रपाल जी, चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, किसी समय भी आचार संहिता लग सकती है, चुनाव का ऐलान हो सकता है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, तो आपका क्या मानना है, अगर हम बीजेपी को लेकर के आज विश्लेषण करना चाहें तो क्या मानते हैं कि 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी किसके नाम पर दांव खेल सकती है? अनूप जी, आजकल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है यही है कि कांग्रेस और बीजेपी हरियाणा में किस किस को टिकट देगी। जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सभी पे आपको यही न्यूज़ मिलेगी। और अगर हम बीजेपी की बात करें, कोई भी पार्टी है, अगर बीजेपी है कांग्रेस है, टिकट वितरण में जातीय समीकरणों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। अगर हरियाणा की बात करें तो हिसार, रोहतक और भिवानी, ये तीन सीटें ऐसी हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर जाट लैंड क्षेत्र आता है, जाट बाहुल्य क्षेत्र जी, जी। और ऐसी संभावना है कि बीजेपी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए दो जाट प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। अब देखना यह है कि हिसार, रोहतक और भिवानी में से जाट प्रत्याशी कौन होंगे। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है वो है रोहतक पे, क्योंकि भविष्य की राजनीति को देखते हुए जो दीपेंद्र हुड्डा है एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, और बीजेपी की पूरी रणनीति है कि पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा को हरवा दिया था, तो इस बार भी कोशिश है कि अगर दीपेंद्र हुड्डा हार जाएं तो भविष्य के लिए दीपेंद्र के लिए खतरा साबित हो सकता है। इंद्रपाल जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, 10 सीटों पर बीजेपी किस पे दांव खेलेगी ये सवाल मैं दोबारा आपसे लूंगा, लेकिन आपने कहा कि रोहतक सीट की अगर हम बात करें तो वहां से दीपेंद्र हुड्डा को हराने की पूरी वो, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा फिलहाल राज्यसभा सांसद है और चर्चा ये है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे में ये हो सकता है कि उनकी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव में आ जाए। देखिए अनूप जी, वो तो एक ही बात है, परिवार है, एक परिवार में कोशिश ये कि दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा का भी मैटर, लेकिन फिर भी ज्यादा संभावना कि दीपेंद्र लड़ेंगे। और दीपेंद्र को रोकने के लिए बीजेपी विशेष रणनीति बना रही है, इसमें दो नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, एक तो जाट के मुकाबले में जाट को खड़ा करना, एक बहुत बड़ा नाम है रणदीप हुड्डा जो कि फिल्मों में काम कर रहे हैं, हीरो हैं, और ऐसे भी समाचार हैं कि शायद 23 मार्च को शहीदी दिवस पर वीर सावरकर के नाम से शायद उनकी मूवी भी रिलीज हो सकती है, तो इसको भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरा एक और बहुत बड़ा नाम है रोहतक लोकसभा क्षेत्र, कह सकते हैं कि रोहतक एरिया बोल सकते हैं पूरा, जिसमें सोनीपत भी है पूरा, तो इसमें बाबा बालकनाथ का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा डेरा है वहां पर बाबा मस्तनाथ, मस्तनाथ, और बहुत मेहनता है उसकी, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वहां से बाबा बालकनाथ आते हैं तो दीपेंद्र के लिए वहां चुनौतियां बढ़ जाएंगी। तो रोहतक, हिसार और भिवानी ये जुड़े, अगर रणदीप हुड्डा आते हैं रोहतक से, भिवानी से 100% संभावना है कि जो मौजूदा सांसद हैं धर्मवीर उसी को रिपीट किया जाएगा, एक बार टिकट कटने की संभावनाएं थी इनकी, लेकिन जो राव इंद्रजीत हैं मंत्री वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने दो तीन दिन पीछे सुना होगा कि किरण चौधरी दिल्ली के लिए चली गई हैं, तो शायद इसीलिए वो बात रुक गई कि जो राव इंद्रजीत हैं वो धर्मवीर के लिए अड़ गए और किरण चौधरी की भाजपा में एंट्री शायद इसीलिए रुक गई। तो भिवानी से तो ये लगभग तय है कि धर्मवीर आएंगे। अब बात आती है हिसार और रोहतक की। अगर रोहतक से रणदीप हुड्डा आते हैं जो कि जाट हैं, तो हिसार में फिर ये मान के चलिए कि आप नॉन जाट को उतारा जाएगा, और हिसार में आज नॉन जाट में आज के दिन
टिकट वितरण के समय कुछ भी हो सकता है। आज इस समय जो नाम सबसे नॉन जाट में आगे चल रहा है वो है रणवीर गंगुआ का। और अगर जाट की बात करें, अगर रोहतक से बाबा बालकनाथ को उतार दिया फिर हिसार से जाट आएगा। तो ये जरूरी है इंद्रपाल जी की जातीय समीकरणों को साधते हुए दो ही जाटों को टिकट दी जाए, तीन नहीं हो सकते, भिवानी, हिसार और रोहतक के? देखिए विधानसभा में तो अनूप जी 90 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा की 10 ही सीटें हैं, 36 बिरादरी हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी मेरे हिसाब से दो जाट को ही देगी। और हिसार से जाट को देगी तो नंबर एक पे हैं कैप्टन अभिमन्यु, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु के साथ बहुत बड़ी समस्या है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ नहीं बन रही है उनकी। तो मनोहर लाल जी और नायब सैनी सुभाष बराड़ा ये नहीं चाहते कि कैप्टन अभिमन्यु हिसार से चुनाव लड़े। तो जाट में नाम तो कैप्टन अभिमन्यु का है, लेकिन आखिरी समय में दूसरे कैप्टन, कैप्टन भूपेंद्र अगर आए तो एक किस्म से मान के चलिए कि उनकी तो लॉटरी ही निकलेगी। आपने नॉन जाट की बात की, अगर हिसार की हम बात करें, नॉन जाट में कुलदीप बिश्नोई भी तो है, वो बड़ा नाम क्यों नहीं है यहाँ से? देखिए शुरू में नाम चला था कुलदीप बिश्नोई का, लेकिन जैसे ही मीटिंग हुई थी हरियाणा बॉडी की, उसके बाद कुलदीप का नाम नहीं है, उन्होंने ऊपर नहीं भेजा। तो इसके अलावा जो लोकसभा सीटें हैं उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए तीन का तो हमने विश्लेषण कर दिया, अब बात आती है दो जो ऐसी सीटें हैं, सिरसा और अम्बाला। सिरसा से आश्चर्यजनक नाम रूप से दो नाम उभर कर अभी आए हैं, शायद किसी चैनल ने भी इनका नाम अभी तक नहीं लिया, विश्लेषण नहीं किया हुआ। एक है बलकार जो कि कालांवाली से पूर्व विधायक रहे हैं, और एक पंजाबी जो गायक हैं हंसराज हंस, इन दो के नाम आज के दिन चल रहे हैं, क्योंकि जो सिरसा की लोकसभा सीट है उसमें पंजाब का एरिया बहुत लगता है, और जो सरदार हैं वो बहुत इसमें हैं, और बहुत बड़ा नाम है हंसराज हंस का। और जहाँ तक बलकार की बात है, वो किंग मेकर के नाम से आपने नाम सुना होगा हरियाणा की राजनीति में, मीनू बेनीवाल का, तो ये आश्चर्यजनक नाम से रूप से नाम आया है बलकार का, और इसको आगे करने वाले हैं मीनू बेनीवाल। तो अभी आपने अम्बाड़ा और सिरसा सीटों की बात की, तो सिरसा से अभी सुनीता दुग्गल है कि उनको रिपीट नहीं करेंगे, और तंवर अशोक तंवर जो अभी ज्वाइन करके बीजेपी में आए हैं आम आदमी पार्टी छोड़ के, तो उनका क्या होने वाला है? सुनीता दुग्गल की अनूप जी अगर बात करें तो रिपोर्ट है कि उनको दिल्ली से टिकट दी जा सकती है, और उनकी जो राजनीति है वो राजनीति में हर एक नेता का अपना गॉडफादर होता है, राजनाथ के माध्यम से उनकी राजनीति है, तो हो सकता है उनको टिकट भी ना मिले इस बार, क्योंकि राजनाथ का जो वरिष्ठ था 2019 में वो इतना नहीं है, और अगर टिकट मिली तो ये संभावना कि शायद उनको दिल्ली से दे दिया जाए। जी पांच अशोक तंवर की आप बात कर रहे थे, तो ऐसी रिपोर्ट है कि शायद अशोक तंवर को कहीं से भी टिकट ना मिले, तो विधानसभा लेकर के जाएंगे विधानसभा। चलो पांच का आपने बताया, इसके अलावा जो करनाल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुरुग्राम बचते हैं उनके बारे में आप अपना? करनाल से पूरी संभावना है कि जो मौजूदा विधायक हैं, लोकसभा सांसद हैं संजय भाटिया, लगभग वही फाइनल हैं। कुरुक्षेत्र से नायब सैनी फिलहाल फाइनल हैं, लेकिन एक आश्चर्यजनक रूप से यहाँ भी परिवर्तन हो सकता है। एक महीने पहले सोशल मीडिया पर एक खबर चली थी कि नवीन जिंदल बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो नवीन जिंदल नहीं आएंगे। महिला कोटे को ध्यान में रखते हुए नवीन जिंदल की जो धर्मपत्नी है सालू जिंदल, उसको भी बीजेपी अगर उन्होंने ज्वाइन करी तो सालू जिंदल भी कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी हो सकती हैं, उसके बाद फिर नायब सैनी पीछे चले जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कुरुक्षेत्र में जैसे वैश्य समाज की हम बात करें तो गठबंधन जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, उन्होंने भी वहाँ से वैश्य समाज में ही टिकट दी है, ऐसा देने से कहीं कहीं मुकाबला टफ हो जाएगा? देखिए जिंदल का नाम इनसे बड़ा है, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है, वहाँ पर चौधरी ओम प्रकाश जिंदल और नवीन जिंदल सांसद रह चुके हैं, तो इनका वहाँ पर बहुत बड़ा नाम है, और बहुत लंबा गैप आ गया है, इन्होंने एक ट्रस्ट के माध्यम से भी बहुत काम वहाँ किए हैं, तो आते हैं। ये नंबर एक पे तो आप प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को मान को चलो, ये तो अगर उन्होंने ज्वाइन करी तो की बात है जी। तो उसके बाद आप फरीदाबाद गुरुग्राम को लेकर के अपना विश्लेषण बताएं? फरीदाबाद और गुरुग्राम की तो अनूप जी आपको भी पता है लगभग फाइनल है,
कृष्ण पाल गुर्जर और राव इंद्रजीत, उन्हीं को रखने की बिल्कुल बिल्कुल वो फाइनल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यह रहता है आपका सोनीपत। सोनीपत में जो रोहतक से सांसद हैं अरविंद शर्मा, उनका लोकसभा क्षेत्र बदला जा सकता है और अरविंद शर्मा सोनीपत से आ सकते हैं। अरविंद शर्मा का हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। अरविंद शर्मा ऐसे सांसद हैं जो चार बार सांसद बन चुके हैं। 1996 में सांसद बने, बहुत बड़ी बात थी, आजाद प्रत्याशी के तौर पर सांसद बने थे। बहुत कम आपको सुनने में मिलेगा कि विधायक तो आजाद बन जाते हैं, लोकसभा का सदस्य बनना आजाद प्रत्याशी के तौर पर बहुत बड़ी बात है। 2004 और 2009 में वो कांग्रेस की टिकट पर सांसद बने थे और 2019 में बीजेपी की टिकट पर सांसद बने थे। तो अरविंद शर्मा का एक बड़ा नाम है। इसके साथ साथ राजनीति में कुछ इशारे भी होते हैं कि कितना बड़ा कद है नेता का। जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, किसी के सार्वजनिक प्रोग्रामों में या ब्याह शादी में बहुत कम जाते हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा पीछे जो अरविंद शर्मा है उनके लड़के की शादी में मोदी गए थे, बहुत कम जाते हैं। तो बहुत बड़ा नाम आप अरविंद शर्मा का मान सकते हैं। तो कैप्टन अभिमन्यु का एक कार्यक्रम रहा था अभी उनके पैतृक गांव में, तो जो संघ के संचालक हैं भागवत जी वहाँ वो उपस्थित हुए थे, तो उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? अनूप जी, उसी प्रोग्राम के बाद कैप्टन अभिमन्यु सक्रिय हुए थे और उससे पहले सक्रिय नहीं थे। जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में होल्डिंग लगे थे, पोस्टर लगे थे, उसी के बाद लगे थे और टिकट भी आप मान सकते हैं कि काफ़ी मजबूत हैं वो टिकट की लाइन में। लेकिन जो लोकल बॉडी है हरियाणा की, उसने अपना काम कर दिया है, मतलब जो नाम भेजे हैं उसके हिसाब से कैप्टन अभिमन्यु को अगर टिकट मिलती है तो वो फिर जो आप इशारा कर रहे हैं संघ का या फिर ऊपर मोदी और अमित शाह, वहाँ से उनका सिस्टम बन सकता है। जो लोकल बॉडी है उसमें इतना महत्व उसको देना नहीं चाहते। तो इंद्रपाल जी, एक बार दोबारा से बीजेपी की 10 की 10 सीटों पर कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए। उसके बाद में एक गठबंधन को लेकर आपसे जरूर सवाल करना चाहूँगा, बताइए 10 संभावित उम्मीदवार। देखिए अनूप जी, हिसार से रणवीर गंगवा कैप्टन अभिमन्यु, और लॉटरी लग सकती है तो कैप्टन भूपेंद्र जी, रोहतक से रणदीप हुड्डा और बाबा बालकनाथ जी, भिवानी से महेंद्रगढ़ से धर्मवीर हैं, लेकिन सुधा यादव भी आ सकती हैं, ऐसा हो सकता है। सिरसा से बलकार और हंसराज हंस, अम्बाड़ा से इसका शायद हमने विवरण नहीं किया, बीच में रह गया था, अब बताते हैं। बंतो कटारिया जो कि रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी है, और कृष्ण बेदी का नाम भी आ सकता है। सोनीपत से अरविंद शर्मा, योगेश्वर दत्त और मोहनलाल बड़ोती, करनाल से संजय भाटिया, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर और गुड़गांव से राव इंद्रजीत। तो गठबंधन को कोई मिलेगा 10 सीटों में से बीजेपी, या बिल्कुल दरकिनार करने जा रही है, या वही असर होगा जो हरियाणा जनहित कांग्रेस जो भजनलाल की कुलदीप बिश्नोई की जो पार्टी थी उसका गठबंधन हुआ था और फिर हाथ खड़े कर दिए गए थे, क्या ऐसा जेजेपी का होने वाला है? देखिए अनूप जी, गठबंधन के मामले में बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह दोनों को थप्पड़ भी मार दिया और दोनों को खुश भी कर दिया, मतलब रोने नहीं दिया, रोने भी नहीं दिया। तो क्या कर दिया, ये को रोने नहीं दिया। नहीं, जैसे विजेंद्र सिंह को तो ऐसे खुश कर देगी कि गठबंधन नहीं हुआ तो विजेंद्र सिंह खुश है, और हिसार से विजेंद्र सिंह को अगर टिकट नहीं मिली तो दुष्यंत खुश है। तो दोनों को थप्पड़ भी मार दिया और रोने भी नहीं दिया, खुश भी कर दिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए दर्शकों, 24 की चौधर कार्यक्रम आपके लिए शुरू किया जा रहा है, जिसमें आज हमने बीजेपी पार्टी के एक संभावित उम्मीदवारों के बारे में आपको विस्तार से बताया, और अगले प्रोग्राम में हम कांग्रेस, जेजेपी और अन्य जो दल है उसके बारे में आपको बताएंगे, और लोकसभा के बाद चाहे 2024 विधानसभा के चुनाव क्यों ना हो, तमाम इस तरह की खबरें आपको देते रहेंगे 24 की चौधर में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।